Morning everyone. Has everybody come? You can see the PPT everyone. Okay. So last class, what did we do? Last class, we had started with the morphology and we had done the root, right? So we had done about the root and the modifications of the root, and I had given you all the examples. Okay? So uske examples aap learn karke aaye ho na. I told you morphology mein examples bahut important hai. So sare examples learn karke aaye ho roots ke aap? Yes. Okay, so stem and leaf, ठीक है? Stem and leaf बहुत simple है. You've been studying about stem and leaf since your lower classes, और 10th में भी पढ़ा होगा, और आपने अभी नीट में भी बहुत सारा पढ़ा होगा. What you have to remember is you have to remember the modifications and जो important questions आते हैं. देखो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो रेलिवेंट है वही आते हैं. सो जो रेलिवेंट है दैट वी आर गोइंग टू डू, और जिसमें अगर आपको टिपिकली डाउट है दैट यू कैन राइट एंड सेंड इट टू मी ऑन द चैट बॉक्स. सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी टर्म व्हिच इज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन द रूट्स? अगर कुछ है तो चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टेम. ठीक है? तो स्टेम आपको पता है इज अ पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. आपको पता है दैट प्लांट हैज गॉट द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. ठीक है? So root system and the shoot system are the two parts of the plant, and we begin the PPT now. So we did that the plant had the root system and the shoot system, ठीक है? And root system के parts पढ़े थे हमने, characteristics of roots. Last class we had did types of roots, tap root, fibrous root, adventitious roots, regions in the roots. You had done modifications of tap root for storage of food. उसके बाद नोड्यूलेटेड रूट, बटरेस रूट्स, रिप्रोडक्टिव रूट्स, ये सब के एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू आस्क यू. न्यूमेटोफोर्स, ओके? सो फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आल्सो द रूट्स गेट मॉडिफाइड, जैसे मार्शी एरियाज में न्यूमेटोफोर्स. फाइब्रस रूट्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में आ जाते हैं. देयर आई टोल्ड यू फाइब्रस रूट्स, देन एडवेंटिशियस रूट्स आल्सो गेट मॉडिफाइड फॉर to store food. अब इसमें ट्यूबरस रूट देखो, ट्यूबरस रूट यहाँ भी है, ट्यूबरस रूट वहां भी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट. रूट में एग्जाम्पल वॉज मिराबिलिस, एंड यहाँ पे द एग्जाम्पल इज स्वीट पोटेटो. देन फॉर सपोर्ट ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट बताया था, जो की प्लांट पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. Parasitic, epiphytic and assimilatory roots. So ये सब उसके physiological functions है. The root gets also modified to perform certain physiological functions. Floating roots and reproductive roots. Reproductive roots when it develops adventitious buds. यहाँ तक हमने किया था. Now we begin with the stem. अब stem के बारे में आपको पता है that stem is the erect ascending part. Ascending part मतलब जो ऊपर की तरफ grow करता है, that is stem. And it develops from the plumule. It develops from the plumule, bears nodes, internodes, leaves, fruits, and flowers. It is positively phototropic means वो light की तरफ grow करता है. Negatively geotropic means away from gravity. Bears lateral branches which arise exogenously. Exogenously का मतलब होता है in an outward fashion. ऐसे अंदर की तरफ नहीं होता है. जो स्टेम के कॉर्टेक्स से द स्ट्रक्चर्स अराइज एक्सोजेनसली, मतलब बाहर. एक्सो मींस बाहर, ठीक है? बाहर की तरफ. हेयर इसमें होता है ट्राइकोम्स, जैसे डाइकॉट स्टेम में होता है. प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, हमने एनाटॉमी पढ़ा है, वहां पे मैंने आपको बताया है ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम. ठीक है? एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बड्स, हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बड्स होता है. देखो एक बट ये है, ये जो स्टेम है, दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीफ. ये लीफ का पीटियोल है, लीफ का पीटियोल है. यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो
The bud which is there over here is the axillary bud. It is the axillary bud. And आप अभी आने वाले slides में देखेंगे कि axillary bud gets modified. कभी कभी tendril में हो जाएगा या किसी और structure में, thorns में, tendrils में. So depending upon plant में क्या function कर रहा है, it gets modified. Tip पे जो bud आता है उसको कहते हैं terminal bud. Tip पे जब bud आ गया इसका मतलब अब growth restrict हो गया, अब ये नहीं बड़ा होगा, right? So on the basis of location you could have axillary bud, terminal bud, also on the basis of function vegetative bud, floral bud, hai na? Jo, yes, you want to ask? Voice nahi aa rahi hai? Now can you hear my voice? Yes, everybody. Okay. So axillary bud is one bud. ये आपको बताया था ना जब when we were doing the anatomy तो बताया था as the shoot apical meristem grows, जब shoot apical meristem grow करता है there are certain regions which are left behind. वही होता है axillary bud. ठीक है? And then you have terminal bud जो tip पे होता है. Also vegetative buds होता है which form the vegetative parts of the plant like not the flower. And बाकी क्या होते हैं जो flower बनाते हैं. Those are called floral buds. Those are called floral buds. ठीक है? Next is अब ये this is not so important and you from this slide you just have to do the functions. आपको सबको stem का function पता है. It translocates water and mineral salts. Root से जो सारे parts में गया the pathway is the stem. And again जो leaves food prepare करते हैं वो दूसरे plant parts में जाते हैं via the stem. ठीक है? It produces new tissues and cells, organs every year. It also supports the plant. It also supports the plant, right? Shape of the stem is not so important, but again, ये सारे जो examples हैं, we are going to do in the different like जैसे अगर हम ये करेंगे phylloclade में, we are going to do the example of opuntia. ठीक है? Osimum करेंगे inflorescence में, casuarina करेंगे फिर से cucurbita tendrils में, right? So this is going to come again. So ये उतना important नहीं है. अब आ जाते हैं बात करते हैं stem reduced भी हो सकता है small disc के form में. Again this is a modification. Erect हो सकता है, weak stem हो सकता है. Weak stem, whenever a plant has got a weak stem, जब किसी का stem weak हो जाए, किसी plant का stem weak हो जाए तो वो क्या करेगा? It will form all these structures. ये runner, stolon, offsets, twiners, climbers, ये सारे modifications are coming up slides. अब आ जाते हैं modification of stem में. ठीक है? So modification of stem में, stem gets modified in three manners. The stem gets modified in three manners. आपको stem का modification करना है on the basis of location, जैसे underground modification, subaerial modification and aerial modification. तो एरियल मॉडिफिकेशन जो है वो तो आपको पता है कि ठीक है चलो एरियल तो होता ही है, स्टेम इज एरियल. अब ये अंडरग्राउंड और सब एरियल कैसे होता है, अंडरग्राउंड और सब एरियल कैसे होता है ये आपको मैं बता रही हूँ. तो अंडरग्राउंड स्टेम से स्टार्ट करते हैं. आप समझ रहे हो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू थ्री काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन. हम तीन तरह के मॉडिफिकेशन करेंगे स्टेम की. मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के बताती हूँ. सो मॉडिफिकेशंस में आपको तीन तरीके से करना है. अंडरग्राउंड, जब स्टेम अंडरग्राउंड हो जाती है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. जनरली तो स्टेम ऊपर रहती है ना, हाउ इट हैज बिकम अंडरग्राउंड दैट वी आर गोइंग टू डू. अंडरग्राउंड हो गई या फिर सब एरियल मॉडिफिकेशन. सब एरियल मतलब जमीन पे चलती हुई, सब एरियल एंड एरियल. ठीक है? सो तीन तरीके से स्टेम गेट्स मॉडिफाइड. अंडरग्राउंड हो जाए, जो कि इस स्लाइड में अंडरग्राउंड की बात हो रही है. सब एरियल एंड एरियल. पहला है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ठीक है? सो ये जो स्टेम है
It lies when the stem lies below the surface of the soil, stores food and takes part in perination. What do you mean by perination? Perination का मतलब होता है to tide over unfavorable conditions. मतलब perinate करने का मतलब होता है वो एकदम अब अपने सारे active forms छोड़ के inactive सिकुड़ के रहती है, perinate करती है to tide over the unfavorable condition. तो perination का मतलब होता है inactive form में आ जाना where the stem will give up all its activities and it is going to relax. वो relax करेगी so that the unfavorable condition goes away. ठीक है, सो पेरिनेशन के लिए किया जाता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन एंड ऑल्सो फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हमको पढ़ना है राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉम, सकर. यहां हम एक्चुअली सकर सब एरियल मॉडिफिकेशन में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं. यस, ठीक है, यहाँ भी पढ़ते हैं और वहां भी पढ़ते हैं. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो यहाँ पे पढ़ेंगे राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड कॉम. ये सारी चीजें आप फेमिलियर होंगे, बट लेट मी सी आपको कोई डाउट है कि नहीं. देखो राइजोम क्या होता है, राइजोम इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजोंटली, grows horizontally, it's prostrate. मतलब ऐसे trailing structure है. आपने अदरक को देखा है ना, जिंजर को देखा है ना, जिंजर को, जिंजर का साइंटिफिक नेम चैट बॉक्स में लिख के भेजो. ठीक है, सो जिंजर को देखा है हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जमीन पे ट्रेल करता हुआ. कभी ऐसा वर्टिकल जिंजर देखा आपने? नहीं ना. इट्स ऑलवेज प्रोस्ट्रेट, इट्स horizontal, trailing. ठीक है, so it's horizontal, prostrate, it's horizontal and prostrate. ठीक है, and किस तरीके का growth है इसमें? Diagiotropic means of growth, diagiotropic means of growth, and it's underground, bears nodes and internodes. Nodes and internodes है because it is a stem. Nodes and internodes है because it is a stem. Zingiber officinale, very good. Zingiber officinale. So rhizome is horizontal, prostrate, underground stem that bears nodes and internodes. ठीक है, अब ये structure ये typical ginger का है, that is rhizome का है. तो इसमें देखो ये सारे structures क्या है, ये terminal bud है, this is the terminal bud. आपने देखा होगा ना side से ginger के buds निकलते हैं, ये सब, ये देखो terminal lateral bud, ये सब बोल सकते हैं आप, these are all buds. और ये जो इस तरीके के पार्टीशंस दिख रहे हैं, ये जो पार्टीशन है, दिस पार्टीशन इज योर नोड. ये जो लाइंस ऐसे ऐसे बने हैं, ये नोड्स. दो लाइंस के बीच में जो स्पेस है, दिस इज इंटरनोड. और इस तरीके का जो ये, यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स ना, दीज आर स्केल लीव्स, ड्राई स्केल लीव्स होते हैं. तो जैसे ये स्टेम है, स्टेम इसको मान लो, ये स्टेम है, नोड, 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 दो नोड के बीच में इंटरनोड, और नोड्स के ऊपर है स्केली लीव. जो लीव्स यहाँ होते थे ना, सी यू नो दैट नोड पे लीव्स होते हैं, पर यहाँ पे लीव्स कैसे होते हैं? ड्राई एंड स्केली, ड्राई एंड स्केली. ठीक है, ड्राई एंड स्केली लीव्स. सो नोड्स बेयर स्मॉल ड्राई स्केली लीव्स, और इनके एक्सिल में, मतलब लीफ और स्टेम, लीफ और स्टेम के एक्सिल में एक्सिलरी बड होगा. आपको बताया था ना, अगर ये स्टेम है और सपोज ये लीफ है, इसका लीफ नहीं है, सपोज ये लीफ है, तो यहाँ पे एंगल में जो बड्स रहेगा वो है एक्सिलरी बड. तो यहाँ पे भी जो बड्स रहेंगे ना, दोज आर एक्सिलरी बड. सो ये लैटरल टर्मिनल बड्स होंगे, एक्सिलरी बड होगा, नोड है और इंटरनोड है, और इस तरीके से स्केली लीव्स है. सो ऑल दी स्ट्रक्चर टेल यू दैट इट इज अ, it is a stem, it is a stem, not a root. So food materials kahan pe stored hai? Nodes mein stored hai, internodes mein stored hai, nodes mein stored hai, internodes mein stored hai. So this is your rhizome, this is your rhizome. Aur isme se ab aap dekhte ho aise aise karke roots nikalte hain, ye jo roots nikal rahe hain, this is your, ye roots kaise roots honge, what kind of roots they will be?
what kind of roots they will be, what kind of roots they will be, they will be, they are going to be adventitious roots, they are going to be adventitious roots, they are going to be adventitious roots, because they are not arising from the radical, they are arising from any other part of the plant. Adventitious, adventitious, general term is adventitious. So ek typical rhizome mein ye sare characteristics hote hain, ye typical rhizome hai. Ab dekho, examples are very very important, examples are very very important. To isme aapko ye yaad rakhna hai, theek hai, kabhi kabhi wo vertical rehta hai, कभी कभी हॉरिजॉन्टल है, बट यू हैव टू डू दिस हॉरिजॉन्टल एंड ब्रांच्ड, स्ट्रैगलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड ब्रांच्ड, राइट। अब एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स में यू आर गोइंग टू डू, एग्जांपल्स में यू आर गोइंग टू डू जिंजर, जिंगीबर, ओफेशनील, नीलम्बो, लोटस, ये देखो नीलम्बो न्यूसीफेरा, ये भी राइजोम बनाता है, ये भी राइजोम बनाता है, बट इसका राइजोम इस तरीके का टिपिकल नहीं होता है, ये भी राइजोम बनाता है। बनाना ऑल्सो, बनाना, बनाना, बनाना भी राइजोम बनाता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बनाना सकर भी बनाता है। तो एक्चुअली बनाना को हम सकर के एग्जाम्पल में करेंगे, वेजिटेटिवली कैसे प्रोपोगेट करता है, सो यू कैन राइट सकर। अगर दिया हुआ है एंड जिंजर, बनाना, निलंबो, तीनों दिए हुए हैं, ऑल द अबव है, देन द आंसर विल बी ऑल द अबव, ठीक है। बट टिपिकली अगर इसके इसके बीच में है तो आप सकर पे लिखना बनाना। आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग, समझ में आई बात। बनाना का साइंटिफिक नेम चैट बॉक्स में लिख के भेजो, बनाना का साइंटिफिक नेम चैट बॉक्स में लिख के भेजो फास्ट, और लास्ट में साइंटिफिक नेम्स का टेस्ट होगा। अब आ जाते हैं बल्ब में। देखो बल्ब का मतलब होता है बल्ब शेपेड, मतलब कैसे डिस्क के तरह शेप, यस। मस्का सेपिटियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना, मस्का सेपिटियम, राइट। सो बल्ब इज डिस्क शेप, डिस्क शेप। सो इमेजिन करो बल्ब का मतलब क्या होता है, जब एक स्टेम है, इफ देयर इज अ स्टेम, सपोज ये एक स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, और ये स्टेम जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये जो स्टेम रिड्यूस हो जाएगा, अगर ऐसे कंप्रेस हो जाएगा डिस्क की तरह, तो सबसे नीचे के जो पत्तियां हैं, जो नीचे जो इसके, जब ये स्टेम था सो इट हैड लीव्स, सबसे नीचे के जो पत्तियां हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगी और जो ऊपर की तरफ है वो नीचे आ जाएंगी, राइट, बिकॉज हम वी आर कंप्रेसिंग इट। तो अगर हम इसको कंप्रेस, इस स्ट्रक्चर को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, जो पत्ती नीचे थी, जो द लीव्स व्हिच वर डाउन, वो आउटवर्ड आ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, और जो इसमें जो लीव्स थे ऊपर की तरफ, जो लीव्स थे ऊपर, जो लीव्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और मान लो ये आपका टर्मिनल बड है, ये टर्मिनल बड है, तो ये टर्मिनल बड कहाँ पे आ जाएगा, ये टर्मिनल बड सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके के कंप्रेस स्ट्रक्चर को विच स्टोर्स फूड, it stores food is called a bulb. लेकिन difference यहाँ पे क्या है, ये जो leaves हैं वो उसके scale leaves हैं, और scale leaves are fleshy. यहाँ पे scale leaves fleshy हैं, और ये जो tip पे जो bud है, जो बीच में आता है, वो उसमें एक ही bud होता है, onion में एक ही होता है, garlic में बहुत सारे buds होते हैं, you understanding? So इस compressed disc like structure को बोलते हैं bulb, reduced stem. ये concentric leaves जो है ना, ये है fleshy leaves. Fleshy leaves, and they are leaves are edible. जो आप खाते हो वो है fleshy scaly leaves, वो है fleshy leaves actually, ठीक है? And they have adventitious roots at the base. दो तरीके के bulb होते हैं, tunicated and scaly. अब यहाँ पे देखो आप, ये पूरा compressed structure है, तो इस तरीके के, जैसे जब structure को compress किया, बीच में आ गया bud. एंड इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे, ये सारे कंप्रेस करके, सारे लीव्स कंप्रेस हो गए ना, सारे लीव्स कंप्रेस हो गए,
और ये रिड्यूस हो जाता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में, और यहाँ से एडवेंटिशियस बड्स, एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं, ये देखो। और एक्सिलरी बड कहाँ पे होगा, आपको बताया है ना के लीफ, और ये लीफ है, ये स्टेम है, और ये लीफ है, इसके एंगल में जो बड होगा वो है एक्सिलरी बड्स। सो एक्सिलरी बड्स भी होते हैं। बीच में होता है टर्मिनल बड, बीच में होगा टर्मिनल बड, साइड में होगा फ्लैशी लीव। तो हम एक्चुअली क्या खाते हैं, फ्लैशी लीव्स खाते हैं, अनियन का तो आप फ्लैशी लीव्स खाते हैं ना, और साइड में होंगे एक्सिलरी बड्स। देखो डिस्क शेप्ड है, इसका कट सेक्शन लिया, दिस इज डिस्क शेप्ड। देयर आर टू काइंड्स, यू हैव ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड यू हैव स्केली बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब में अ शीथ ऑफ ड्राई मेम्ब्रेन स्केल इज प्रेजेंट। आपने अनियन में देखा है ना, ड्राई शीत रहती है। अब भी ट्यूनिकेटेड बल्ब दो तरीके का होगा, सिंपल ट्यूनिक या कंपाउंड। सिंपल ट्यूनिक में एक ही बड रहेगा, कंपाउंड जैसे गार्लिक में देर आर मेनी बड्स, बहुत सारे, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, सो दिस इज कंपाउंड। पर दोनों के दोनों ट्यूनिकेटेड है क्योंकि इसमें एक ड्राई शीत। अब अनियन को बाहर से एक ड्राई कवर जो आप पील ऑफ करते हैं, वो ड्राई स्केली लीफ है, और जो खाते हैं आप वो फ्लैशी स्केली लीफ है। अंडरस्टूड? एंड दिस इज योर स्केली बल्ब, दिस इज योर स्केली बल्ब। स्केली बल्ब में कवर एबसेंट होता है, स्केली बल्ब में कवर एबसेंट होता है। एग्जाम्पल इज अनियन, गार्लिक एंड लिली, अनियन, गार्लिक एंड लिली, ठीक है। सो बल्ब इज अ हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड मेन स्टेम। It takes a disc shape structure, forms a disc shape structure. Nodes are very, तो देखो क्या होगा, इसमें internode present होगा, नहीं, internode एकदम compress हो चुका है, right? So internode, nodes are very close to each other and internodes are very small. So nodes are very close to each other and internodes are very small, ठीक है? And from the upper surface of the nodes, nodes के upper surface से scaly leaves निकलते हैं, और स्केली लीफ जो है वो दो तरीके के होते हैं, डार्क ब्राउन एंड स्केली लीफ, दो तरीके के होते हैं। स्केली लीफ आउटर ड्राई एंड इनर फ्लैशी, आपको बोला था ना कंप्रेस करने पे लीव्स पास पास आ जाएंगे। सो स्केल लीव्स तो लीव्स है जो नोड से निकलते हैं, तो ये तो लीफ हुआ, ठीक है। एंड लीव्स आर ऑफ टू काइंड्स, दे आर आउटर ड्राई एंड इनर फ्लैशी। आउटर ड्राई एंड इनर फ्लैशी हो गया, और उसके बाद क्या निकलता है, फ्लैशी लीव्स दे स्टोर फूड, जो आप अनियन में खाते हैं वो है फ्लैशी लीव्स। एंड अनियन में एक्चुअली क्या, कौन सा फॉर्म स्टोर्ड है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड। एंड एपेक्स ऑफ द बल्ब में, एपेक्स ऑफ द बल्ब में रहता है टर्मिनल बड जो कि एरियल शूट को, देखा नहीं आपने प्याज में ऐसे निकलता है टर्मिनल बड, इसमें से शूट निकलता है, राइट right? So, और एक्सिल में होता है एक्सिलरी बड। सो टर्मिनल बड, एक्सिलरी बड, नोड्स, रिड्यूस्ड इंटरनोड्स, ये सारी चीजें होती है किसमें, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द बल्ब, ओके। सो ट्यूनिकेटेड बल्ब द एग्जाम्पल इज, ट्यूनिकेटेड बल्ब द एग्जाम्पल इज, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्यूनिकेटेड बल्ब, अनियन और गार्लिक। राइट द नेम्स ऑफ onion and garlic scientific name and send it to me on the chat box fast. So in the axil of the scaly leaves, in the axil of the scaly leaves develops what? In the axil of the scaly leaves develops axillary buds. So three examples over here I've told you. Allium sepa is onion and Allium sativum is गार्लिक, वेरी गुड। लिली का भी है एग्जाम्पल, पॉलियंथस इज लिली। लिलियम स्पीशीज, यस। सो बल्ब इज क्लियर टू यू, आगे बढ़े। ट्यूबर, अब ट्यूबर, पोटेटो, ये तो बहुत ही कॉमन है। पोटेटो में क्या होता है,
स्टार्च इज स्टोर्ड सोल इन अंडरग्राउंड स्टेम है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ स्टार्च. पोटेटो में क्या होता है, अब ये देखो ये जो पोटेटो है, पोटेटो में ये जो इस तरीके के मार्क्स आए हुए हैं ना, ऐसा ऐसा जो आपको दिखता है, दीज आर एक्चुअली नोड्स. और नोड्स को क्या बोलते हैं, आईज. और दो नोड के बीच में जो गैप है, दिस इज इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड. ठीक है. और इसमें लीव्स कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं कि ड्राई होते हैं पोटेटो में? जिंजर का शेप इररेगुलर है, पोटेटो का शेप, पोटेटो का शेप कैसा है, पोटेटो का शेप स्फेरिकल, ओवल. ठीक है. स्पाइरली अरेंज्ड डिप्रेशंस हैं विच आर कॉल्ड आईज, एंड आईज आर एक्चुअली द नोड्स, आईज आर एक्चुअली द नोड्स. ईच आई रिप्रेजेंट्स अ नोड, ईच आई रिप्रेजेंट्स अ नोड, एंड नोड के एक्सल में होगा स्केली लीफ, नोड के एक्सल में होगा स्केली लीफ, राइट? नोड के एक्सल में होगा स्केली लीव्स. फ्लैशी रूट्स क्या होता है, नोड्स के एक्सल में होगा स्केली लीफ, और उसमें होगा एक्सिलरी बड भी. सो इसमें भी स्केली लीफ है, एक्सिलरी बड होगा एक्सल में, एंड एडवेंटिशियस रूट्स इसमें एब्सेंट है, नो एडवेंटिशियस रूट्स. कभी कभी आपने देखा होगा ना घर में, यहाँ ये नोड्स पे ऐसे करके बड्स आ जाते हैं, वो एक्सिलरी बड जो है वो स्प्राउटिंग करके वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करके नया पोटेटो प्लांट बनाने लग जाता है. सो नो एडवेंटिशियस रूट्स. नो एडवेंटिशियस रूट्स, नो एडवेंटिशियस रूट्स. सो नोड होता है, इंटरनोड होता है, नोड्स में स्केली लीव्स होता है, एक्सल में एक्सिलरी बड होता है. Example will be, example of tuber will be potato, Solanum tuberosum and Helianthus tuberus. एक और example है rhizome का, हल्दी, turmeric. That we have missed out, you please write that also. ठीक है, and the last one is corm. Corm thick होता है, short unbranched underground stem. And there is a difference between corm and, look at the diagram of corm. आपने corm का example पढ़ा है, corm भी एक underground, आपने उसका example पढ़ा अरबी, कोलोकेशिया and all that. ये सारे examples आ जाएंगे corm में. corm में क्या होता है, distinct nodes and internodes. उसमें भी basal part swollen हो जाता है, main stem का जो base होता है, मेन स्टेम का जो बेस होता है, दैट इज स्वोलन. सो इट इज, ये भी अनब्रांच्ड है, वो भी अनब्रांच्ड है. राइजोम इज ब्रांच्ड, ट्यूबर एंड कॉम आर अनब्रांच्ड. सो कॉम में इस तरीके का, कॉम इज एक्चुअली अ लार्ज स्ट्रक्चर, और इस तरीके से आपको बड्स निकलते दिखाई देते हैं, एंड यू हैव पार्टीशंस लाइक दिस. ये पार्टीशन क्या है, नोड. This is node, this is node, बीच का स्पेस इंटरनोड. इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देंगे. इंटरनोड्स आर वेरी स्मॉल, फूड डिपोजिशन एट द नोड्स एंड इंटरनोड्स टेक्स प्लेस. एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट, एडवेंटिशियस रूट्स आर एब्सेंट इन ट्यूबर. स्केली लीफ, इसमें भी स्केली लीफ होते हैं, इसमें भी स्केली लीफ रहते हैं, इसमें भी स्केली लीफ रहते हैं, स्केली लीफ. और फ्लैशी लीफ किसमें रहता है, वेयर इज द फ्लैशी लीफ प्रेजेंट, इन विच अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. वेरी गुड, तो ये याद रखना. सो स्केली लीफ इज प्रेजेंट, स्केली लीफ इज प्रेजेंट. स्केली लीफ जो है वो प्रेजेंट रहता है, और उसके एक्सल में एक्सिलरी बड होता है, तो एक्सिलरी बड रहेगा, स्केली लीफ रहेगा.
और एक्सिलरी बड इज गोइंग टू गिव राइज टू अ न्यू एरियल ब्रांच. सो डॉटर कॉम्स कौन कौन बनाएगा? एक्सिलरी बड. टर्मिनल बड भी रहेगा इसमें, टर्मिनल बड्स भी रहेंगे. एग्जाम्पल, वॉट इज द एग्जाम्पल? जमीकंद. जमीकंद, हैव यू लर्न अबाउट जमीकंद? ये एमोफोफेलस, इसका कॉमन नेम है जमीकंद. इसका इनफ्लोरेसेंस सबसे बड़ा होता है, बड़ा सा फ्लावर होता है और उसमें एक ही लीफ होता है जो कि डिवाइड हो जाता है. कोलोकेशिया अरबी, एलिफेंट फुट बोलते हैं एमोर्फोफेलस को. कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस, ठीक है. सो दिस इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. दिस इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या क्या पढ़ा? राइजोम, ट्यूबर, कॉम एंड बल्ब. नाउ वी आर गोइंग टू डू सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. एरियल सबसे लास्ट में करेंगे. वी विल डू सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मतलब होता है कि जो स्टेम मॉडिफाई हुआ है, इट्स नॉट अंडर द ग्राउंड, इट्स नॉट अबव द ग्राउंड, इट्स जस्ट ऑन द सर्फेस. इट्स जस्ट ऑन द सर्फेस. सो सब एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम एक ब्रांच की तरह मॉडिफाई हो जाती है. तो सब एरियल मॉडिफिकेशन ब्रांच्ड जो ब्रांचेस होते हैं स्टेम के, वो सरफेस पे ग्रो करते हैं, वो सरफेस पे ग्रो करते हैं. दे ग्रो ऑन द सरफेस, पार्शियली अंडरग्राउंड हो सकते हैं. जैसे रनर होता है, रनर मतलब क्या? रन कर रहा है. ये देखो, ये है रनर और देखो रनर के पास नोड्स है और जहां जहां ये रनर ऐसे आया और नोड्स पे वो इट इज डेवलपिंग रूट्स एंड शूट्स, रूट्स एंड शूट. जैसे अगर ये सॉइल का सरफेस है तो रनर कैसा है? जस्ट पैरेलल टू द सरफेस, ट्रेलिंग, रनिंग पैरेलल टू द सरफेस. और जहां भी ऐसे नोड आया वहां पे एक इस तरीके का प्लांट डेवलप हो जाएगा, मतलब रूट और शूट देगा. फिर इसमें से एक ब्रांच निकलेगा, लोअर ब्रांच. इसमें से एक ब्रांच निकलेगा, फिर जैसे ये ग्राउंड को टच करेगा उसके बाद इट इज गोइंग टू गिव. इस तरह से वो रन करते रहता है. फिर एक लोअर स्टेम का ब्रांच निकल. सो स्टेम इज जस्ट लाइक जस्ट ऑन द सर्फेस, पैरेलल टू द सर्फेस. प्रोस्ट्रेट ब्रांच, इट इज अ प्रोस्ट्रेट ब्रांच क्रीपिंग ऑन द सॉइल. और वो कैसे निकलता है? एक्सिलरी बड से. दिस अराइजेस फ्रॉम द एक्सिलरी बड. सो एक्सिलरी बड मेन स्टेम में, इस मेन स्टेम में एक्सिलरी बड है. दिस एक्सिलरी बड गिव्स राइज टू अ रनर. इसमें लॉन्ग इंटरनोड्स है. देखो इंटरनोड्स कितने लॉन्ग है, ये नोड नोड, ये इंटरनोड, ठीक है. सो एक्सिलरी बड्स फॉर्म न्यू एरियल शूट्स दैट ट्रेल ऑन द ग्राउंड एंड व्हेन दे टच द ग्राउंड द नोड्स प्रोड्यूस स्मॉल प्लांट्स. और उसके बाद वो थोड़े लंबे हो जाते हैं तो दे ब्रेक फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और वो खुद का इंडिपेंडेंट लाइफ बिताने लगते हैं. एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस, जिसके पत्ती ऐसे होती है ना, क्वाड्रीफोलिएट. सेंटेला, ब्रह्मी, ग्रास, साइनोडॉन, डैक्टिलॉन, ये सब के सब रनर्स हैं. ये सब के सब, दे आर ऑल रनर्स. यस, दूब ग्रास. नेचुरल लेयरिंग, यस यू कैन कॉल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो नहीं, बट दिस इज यस नेचुरल लेयरिंग, ये खुद से ही होता है. सो लर्न द एग्जाम्पल्स, ऑक्सैलिस, सेंटेला, ब्राह्मी, ग्रास. नेक्स्ट इज स्टोलन. स्टोलन से पहले आप सकर कर लो. अब जैसे सकर और रनर में क्या डिफरेंस होता है? सकर और रनर में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सकर एंड रनर?
चलो पहले स्टोलोन ही देख लेते हैं. सी दिस इज स्टोलोन. स्टोलोन का लोकेशन देखो, ग्राउंड से ऊपर ऐसे आर्च बना रहा है. सो इसमें क्या होता है, स्टोलोन में क्या होता है, देयर इज एन लैटरल ब्रांच दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम. अगर ये सॉइल का सरफेस है तो एक लैटरल, जैसे ये प्लांट है, इसमें से एक लैटरल ब्रांच निकलेगा इसके नोड से, जो कि ऐसे कभी अंदर नहीं जा रहा है. इट्स लाइक फॉर्मिंग एन आर्क. दिस इज अ स्टोलोन. सो इनिशियली इट ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड्स. ये देखो, ये इनिशियली इट ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड्स, मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं है ना. इनिशियली इट ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड्स टू सम एक्सटेंट. सो इनिशियली इट ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोलोन. So initially it grows obliquely upwards to some extent and then bends on the ground. It grows obliquely upwards and then bends on the ground. Ground mein bend ho gaya aur yahan pe wo root aur shoot produce karega. Fir yahan se lateral branch nikla from the base of the stem, obliquely upwards, fir bends on the ground. Obliquely upwards, fir bends on the ground. So say arc jaisa structure banega. किस तरीके का इंटरनोड है? इंटरनोड कुड बी लॉन्ग और शॉर्ट. इंटरनोड्स कुड बी लॉन्ग और शॉर्ट. मदर प्लांट से निकलते हैं ये सारे स्टोलॉन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एग्जांपल इज जैस्मीन, मिंट. मिंट करो, जैस्मीन करो, मिंट करो, स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी? फ्रेगेरिया इंडिका. जैस्मीन, जैस्मीनियम. सो दिस इज स्टोलोन. स्टोलोन समझ में आया, पोजिशन कैसा है इसका? और यहाँ पे स्केल लीफ में निकल जाता है. ये देखो एडवेंटिशियस रूट्स है बिकॉज ये रेडिकल से नहीं निकल रहे. फिर इसने ये स्टेम ऐसे गया, ऑब्लिकली अपवर्ड्स बेन किया, टर्मिनल बड है, जैसे टच करेगा ग्राउंड को उसमें से रूट और शूट निकल जाएंगे. अब बात करते हैं सकर की. यहीं पे सकर क्या होता है ना, वो भी स्टोलोन की तरह होता है, लेकिन इट ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड्स. मतलब रनर ऐसे पैरेलल था. रनर की पोजिशन क्या थी? रनर एकदम पैरेलल था. और स्टोलोन कैसा स्ट्रक्चर बनाया था? स्टोलोन ने किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया? स्टोलोन ने किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया? ऐसे आर्क, मतलब बेंड किया, टच किया और इट प्रोड्यूस्ड ब्रांचेस. सकर क्या करता है, जैसे ये एक प्लांट है, इसमें से लोअर नोड में से ब्रांच निकला. सो वो, इफ दिस इज द सरफेस ऑफ द सॉइल, तो सबसे पहले वो अंदर ग्रो करेगा और उसके बाद इट विल राइज ऑब्लिकली अपवर्ड्स. समझ में आया? सो लाइक स्टोलोन, सकर इज आल्सो अ लैटरल ब्रांच डेवलपिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम. इट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड देन मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स. ये नीचे जाता है पहले, फिर ऊपर आता है. रनर कैसा था? देखो रनर कैसा था. रनर की पोजीशन क्या थी? ये ग्राउंड है, रनर ऐसे था. सकर की पोजीशन क्या थी? ये ग्राउंड है, सकर ऐसे जा रहा है, फिर बेंड कर रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे आर्क बना रहा है. सॉरी, स्टोलोन, सॉरी, दिस इज स्टोलोन. ये रनर. सकर क्या करता है?
सकर पहले ये अगर ग्राउंड का सरफेस सकर सकर पहले हल्का सा नीचे जाएगा एंड देन इट बेंड्स ऑब्लिकली अपवर्ड्स. इट इज शॉर्टर देन सकर इज शॉर्टर देन रनर. Shorter and stouter than runner. Example of sucker will be chrysanthemum. Banana भी बोलते हैं इसमें. Raspberry, gulkand, chrysanthemum, CHRY. So the example of sucker is chrysanthemum. Raspberry बोल सकते हो. So once more the examples. Runner example is grass. Runner example is grass, centella, dub grass, cynodon, dactylon, centella, that is Brahmi plant. And one more example I told you, oxalis. Next is stolon. Stolon example is jasmine, strawberry. Sucker example is chrysanthemum, raspberry. Ab aa gaya offset. Offset is a modified runner jisme stem mein air spaces ki wajah se wo light ho jata hai. Generally hydrophytes mein hota hai ye. So modified runner hai ye. Aquatic plants mein hota hai. Short horizontal branch producing a cluster. अच्छा इसके leaves ना tufts में होते हैं. ये देखो ये कैसा है, एकदम छोटा सा branch है, short है, very short and produces a tuft of leaves. मतलब एक के ऊपर एक ऐसे मुड़े हुए leaves रहते हैं. और इन सब leaves में generally hydrophytes में होता है ये. Look at this. जैसे pistia and icornia. तो इनमें से एक शॉर्ट ब्रांच निकलेगा जिसको ऑफसेट बोलते हैं. और इसमें जो लीव्स रहते हैं प्लांट्स के, दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ टफ्ट. ठीक है. सो दिस इज सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम है? मिंट किसका एग्जाम्पल होगा? Shorter in internodes. Shorter in internodes. ठीक है. Now coming to the aerial modification of stem. Aerial modification of stem में आ जाओ. Runner के internode सबसे लंबे होते हैं. Runner सबसे लंबा होता है. Now coming to the aerial modification of stem. Aerial modification of stem में सबसे पहले आएगा phylloclade. देखो phylloclade में क्या होता है? Stem becomes राउंडेड एंड फ्लैशी. ये जो ऐसे इस तरीके का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, स्टेम बिकम्स राउंडेड एंड फ्लैशी एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. क्यों होता है? बिकॉज ये जेरोफिटिक प्लांट्स में होता है. जेरोफिटिक प्लांट्स में होता है जिसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है. सो दे ग्रो इन डेजर्ट कंडीशंस. तो वहां पे व्हाट हैपेंस? द स्टेम बिकम्स फ्लैशी, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, हैज नोड्स, इंटरनोड्स. ये है, ये नोड है, ठीक है, इंटरनोड है. एंड दिस इज एन अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स फॉर द जेरोफिटिक हैबिटेट. इसमें एग्जाम्पल होगा ओपांशिया, प्रिकली पेयर, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे. यूफोर्बिया, next example is asparagus. next example is
एस्पैरेगस मतलब क्लेडोड, फाइलोक्लेड और क्लेडोड कंफ्यूज मत होना, फाइलोक्लेड और क्लेडोड इज सिमिलर टू फाइलोक्लेड, एक ही डिफरेंस है इसमें, देयर इज ओनली वन इंटरनोड। देखो ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है ना, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, ये लीफ नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, और ये निकला है लीफ। लीफ कितना छोटा हो गया, ये भी एक जेरोफाइट है, ड्राई कंडीशंस में ग्रो करता है। स्टेम लंबा होता है, इस तरीके का पॉइंटेड होता है, एक ही इंटरनोड का होगा। ट्रू लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस और स्केल्स, ये देखो स्केली लीफ हो गया, एस्पैरेगस और रस्कस। जैसे इमेजिन करो ये एक पॉइंटेड लीफ है और यहाँ, सॉरी, ये एक क्लेडोड है और ये जो छोटा सा है ये है स्केली लीफ। सो क्लेडोड इज सिमिलर टू फाइलोक्लेड, द ओनली डिफरेंस इज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन इंटरनोड। एग्जाम्पल सतावरी प्लांट, एस्पैरेगस, रस्कस, एस्पैरेगस एंड रस्कस। लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्केल्स और स्पाइंस, एंड यहाँ पे भी लीफ जो, इसमें यहाँ पे भी स्टेम जो है इट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज एरिया, अब ये सब एरियल है, आपको स्टेम ऊपर दिखता है इसमें, स्टेम टेंड्रिल। जनरली जो प्लांट्स उनके स्टेम वीक होते हैं दे फॉर्म टेंड्रिल्स कभी कभी। ये देखो ये एग्जाम्पल्स याद करना, स्टेम टेंड्रिल कुछ नहीं है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कॉइल अराउंड फॉर सपोर्ट। कभी कभी एक्सिलरी बड से निकलेगा, व्हेन एक्सिलरी बड इज फॉर्मिंग, तो एग्जाम्पल इज पैसिफ्लोरा। एपिकल बड एपिकल बड, द एग्जाम्पल इज, वॉट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द एपिकल बड या एक्स्ट्रा एक्सिलरी? वाइटस विनिफेरा, चैट बॉक्स में लिख के भेजो। एक्सिलरी बड का एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा, एपिकल बड वाइटस विनिफेरा, दैट मीन्स ग्रेप्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड क्यूकरबिट्स, क्यूकरबिट्स या फ्लोरल बड्स, एंटीगोनॉन। सो ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार टेंड्रिल्स के लिख लो आप। एक्सिलरी बड, अगर एक्सिलरी, इफ द एक्सिलरी बड इज गेटिंग मॉडिफाइड और इफ द एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड इज गेटिंग मॉडिफाइड, इफ द एपिकल बड इज गेटिंग मॉडिफाइड और इफ द फ्लोरल बड इज गेटिंग मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, एक बार आप इसको लिखो। लिख लिया, दिस इज एरियल मॉडिफिकेशन। अभी और है हुक्स, कभी कभी जो स्टेम है, स्टेम गेट्स मॉडिफाइड इनटू अ हुक लाइक स्ट्रक्चर।
that helps in climbing. Sunken stomata, very good. It is an example of a xerophyte. Xerophyte में stomata sunken होता है, जैसे nerium में. कभी कभी hook बन जाता है. Stem gets modified into a hook-like structure. ये भी support के लिए होता है. Thorn, ये important है. ये question बहुत आता है, ये axia वाला, पिछले slide का. स्टेम के थॉर्न्स. अब थॉर्न में भी ये है कि थॉर्न आर मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टिफ शार्प स्ट्रक्चर पॉइंटेड होता है फॉर प्रोटेक्शन. इसमें ऑलवेज स्टेम में एक्सिलरी बड गेट्स मॉडिफाइड, चाहे वो दुरांता हो या बोगनविलिया हो. बोगनविलिया के फ्लावर्स देखे आपने? बोगनविलिया में जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखते हैं वो एक्चुअली उसके फ्लावर्स नहीं है. वो क्या है, लिख के भेजना चैट बॉक्स में. सो दुरांता, लेमन, सिट्रस, इन सब में जो फ्लावर्स होते हैं, इन सब में जो थॉर्न्स होते हैं, दोज आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स. अब ये देखो, यहां पे पैसिफ्लोरा की बात की है. एक्सिलरी बड is getting modified into tendril. Extra axillary bud, मतलब axillary bud नहीं, कोई दूसरा extra axillary in position. Leaf के opposite tendril बने, वो example vitis vinifera या apical bud अगर बन जाए. Antigonon, floral bud. यहाँ पे फ्लोरल बट टेंडल बनाना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट थॉर्न्स में ऑलवेज एक्सिलरी बड्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. वी हैव कंप्लीटेड द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. लीफ में जाने से पहले एक बार लिख लेते हैं. अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. अंडरग्राउंड में ट्यूबर, कॉम, बल्ब, राइजोम. सब एरियल में रनर, स्टोलॉन, सकर एंड ऑफसेट. एरियल में टेंड्रल, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड, क्लेडोड. अच्छा, बल्बिल भी एक मॉडिफाइड स्टेम है. ठीक है, उसमें क्या होता है, वो वेजिटेटिव और फ्लोरल बड है ना, दैट गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फूड. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो फ्लोरल बड. जब मॉडिफाई हो जाएगा ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फूड, उसको बोलते हैं बल्बिल. बल्बिल इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द प्लांट एंड ग्रोज इन टू अ इंडिपेंडेंट प्लांट, जैसे एगेव, लीलियम. So these are the modifications that we have done till now. ठीक है, सबके examples आने चाहिए आपको. Now coming to the leaves.
लीफ में आपको पता है, लीफ का टिपिकल स्ट्रक्चर पता है आपको, लीफ में पीटियोल होता है जिसको बोलते हैं हम. व्हाट इज द पीटियोल कॉल्ड? मेसोपोडियम. देखो लीफ में लीफ बेस होगा जिसको हाइपोपोडियम बोलेंगे, सबसे नीचे का हिस्सा. पीटियोल होगा मेसोपोडियम, और लैमिना होगा और लीफ ब्लेड एपिपोडियम. सो आपको पता है लीफ अराइजेस, यू ऑलरेडी नो कि लीफ अराइजेस फ्रॉम द नोड्स. नोड्स में मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है, वहां से निकलता है लीफ प्राइमोर्डिया, और लीफ प्राइमोर्डिया डेवलप होता है, और लीफ और स्टेम के एक्सल में एंगल में एक्सिलरी बड डेवलप होता है. लीफ के पार्ट्स होते हैं लीफ ब्लेड, पीटियोल, लीफ बेस. ठीक है, लीव्स जिसमें पीटियोल है पीटियोलेट होगा, ससाइल, पीटियोल एब्सेंट. कभी कभी एक लैटरल अपेंडेज होता है ऐसा, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स. स्टिप्यूल्स आउटग्रोथ्स होते हैं, जैसे अगर ये लीफ है तो एक ऐसे ऐसा आउटग्रोथ अगर आया, इट मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट. सो लीव्स विद स्टिप्यूल आर कॉल्ड स्टिप्यूलेट, विदाउट स्टिप्यूल आर कॉल्ड एक्स स्टिप्यूलेट. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स है. बोथ साइड्स ऑफ द लीफ बेस में हो तो फ्री लैटरल, फ्यूज विद द पेटल्स तो एडनेट, इंटरपेट्योलर मतलब बिटवीन द पिट्यूल्स, इंट्रापेट्योलर पिट्यूल और एक्सेस के बीच में, ड्राई हो सकता है, लार्ज ग्रीन हो सकता है. स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, ये आगे पढ़ेंगे. स्पाइन्स में कन्वर्ट हो सकता है, ये नहीं पढ़ना है आपको. ठीक है, तो देयर आर वेरियस वेज द स्टिप्यूल कैन गेट. कभी कभी ये टेंड्रिल बन जाएगा, ये स्टिप्यूल टेंड्रिल भी बन सकता है, कभी ये स्पाइनी स्ट्रक्चर बन सकता है, कभी ये लीफ के जैसा लग सकता है. यू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स. अब बात करते हैं फाइलोटैक्सी की. व्हाट इज फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द नोड्स. फाइलोटैक्सी इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम. ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइलोटैक्सी? देखो सबसे पहला वाला फाइलोटैक्सी देखो, ऑल्टरनेट और स्पाइरल. तो एक लीफ यहाँ पे ऐसे निकल रही है, एक लीफ मतलब हर एक नोड से एक लीफ निकल रही है, दिस इज ऑल्टरनेट पैटर्न. तो ओनली वन लीफ अराइजेस एट अ नोड, यहाँ से एक लीफ निकला, फिर ऑल्टरनेट यहाँ से एक निकला, मतलब एक ही नोड से दो लीफ नहीं, वन नोड हैज वन लीफ. यहाँ से एक लीफ निकला, यहाँ से एक लीफ निकला, फिर यहाँ से निकला यहाँ. सो दिस इज एन ऑल्टरनेट फैशन, ऑल्टरनेट और स्पाइरल फैशन. एग्जाम्पल इज एपोमोया, एपोमोया बटाटास, स्वीट पोटेटो, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सब में ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है. नेक्स्ट इज ऑपोजिट. ऑपोजिट अरेंजमेंट क्या होता है? व्हाट इज ऑपोजिट अरेंजमेंट? लीव्स अकरिंग इन अ पेयर इन अ नोड, मतलब यहाँ पे एक नोड में एक ही लीफ था, ऑपोजिट में क्या होता है, एक लीफ एक नोड पे दो लीफ रहते हैं, बट उनका अरेंजमेंट कैसा रहता है? सबसे पहला है ऑपोजिट में डेक्यूसिट. लीव्स स्टैंड एट राइट एंगल्स टू द नेक्स्ट अपर और लोअर पेयर. मतलब देखो ये एक एक नोड पे ये दो लीफ है, उसके बाद ये दो लीफ है, ये आपस में राइट एंगल्स में है ताकि मैक्सिमम सनलाइट कवर कर सके. मतलब ये एक ऐसे है, ये अगर ऐसे है तो दूसरा वाला फिर ऐसे होगा, फिर ये ऐसे है, फिर दूसरा वाला ऐसे होगा. राइट एंगल्स पे जब अरेंज्ड है सक्सेसिव नोड्स पे, देन इट इज ऑपोजिट. ठीक है, अभी आगे बात करेंगे पेडंकल की, वी विल टॉक अबाउट पेडंकल. ठीक है, डेक्यूसेट है, देन वर्ल्ड, मोर देन टू लीव्स फ्रॉम अ सिंगल नोड. यहाँ पे टू लीव्स था एट अ सिंगल नोड, वर्ल्ड कैसा होगा, मोर देन टू लीव्स ऑन अ सिंगल नोड. सुपरपोज देखो, दे लाई इन द सेम प्लेन, ये राइट एंगल नहीं बना रहे, सेम प्लेन पे, दिस इज ऑल्सो ऑपोजिट. तो ऑपोजिट में होता है टू और मोर देन टू ऑन अ नोड, अगर वो राइट एंगल्स में है, ऐसे 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 राइट एंगल्स में है, देन दैट इज ऑपोजिट डेक्यूसेट.
वर्ल्ड अगर है, वर्ल्ड अगर है तो एग्जाम्पल क्या होगा वो, कि डेक्यूसिट का एग्जाम्पल बताओ, कैलोट्रोपिस। डेक्यूसिट का एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, वर्ल्ड का एग्जाम्पल इज नेरियम। वर्ल्ड में क्या होता है, मोर देन टू लीव्स इन अ नोड, यहाँ पे एक नोड से कितने लीव्स निकल रहे हैं, दो से ज्यादा लीव्स लाई इन द सेम प्लेन, सो ऑपोजिट सुपरपोज्ड, ऑपोजिट डेक्यूसिट राइट एंगल, ऑपोजिट सुपरपोज लाइंग इन द सेम प्लेन, तो सिर्फ दो रोज बन रहा है यहाँ पे। देखो इसमें किस तरीके का है, राइट एंगल्स में, इसमें एक पे बहुत सारे निकल रहे हैं, ऑपोजिट सुपरपोज, वॉट इज द एग्जाम्पल, गुआवा, गुआवा का साइंटिफिक नेम लिख के दीजना, आई एम जस्ट राइटिंग गुआवा हियर, यू विल राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा। ऑपोजिट सुपरपोज, देखा नहीं गुआवा की पत्तियां कैसे ऐसे सिंपल रहती है, यहाँ एक ऐसा है तो एक ऐसा, एकदम नीट एंड क्लीन। So this is phyllotaxy. Alternate, one leaf arises in one node and the other leaves arises in the opposite manner, in a spiral fashion. So this is alternate. Opposite में क्या होता है? Two or more than two leaves in a node. When there are two leaves in a node and they are at right angles to the next, it is decussate. When they are in the same plane, it is superposed. More than two leaves in a node, it is whorled. Scientific name of guava. What is the scientific name of guava? Very good. Cydium guajava. Correct. Ab last part hai iska aaj ka. Venation. What is venation? The arrangement of veins and veinlets on the lamina. आपको पता है ना veins और veinlets होते हैं lamina में, ये main है midrib और ये veins निकल रहे हैं, और veins के भी branches veinlets, दो तरीके का venation होता है, reticulate when they are irregularly arranged in the form of a net, ठीक है, then it is reticulate. रेटिकुलेट के भी टाइप्स है, जैसे जाल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, देन इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में भी यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट होता है। यूनिकॉस्टेट मतलब लैमिना कंटेन्स अ सिंगल मिडरिब, जैसे देखो पीपल के पत्ते में देखो रेटिकुलेट विनेशन है लेकिन सिंगल मिडरिब है। नेक्स्ट इज मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट में मतलब नंबर ऑफ वेन्स अराइज, और वो दो तरीके का होता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, किस फैशन में है, जितने भी मेन इसमें एक से ज्यादा मिडरिब होता है, एंड दे कन्वर्ज टुवर्ड्स द एपेक्स, जैसे ज़िज़िपस बेर, इसमें देखो ये प्रिंसिपल वेन है और ये सब कन्वर्ज कर रहे हैं। मेन जो द मेन काइंड ऑफ विनेशन इज रेटिकुलेट, जाल जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन एक से ज्यादा मिडरिब है एंड दे आर कन्वर्जिंग। डाइवर्जेंट में देखो पंपकिन लूफा में जैसे होता है, एक से ज्यादा मिडरिब है, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, लेकिन दे आर डाइवर्जिंग, वो अलग हो रहे हैं, कन्वर्जिंग। सो मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जेंट, मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट, और यूनिकॉस्टेड में तो एक ही मिडरिब रहेगा, सो दिस इज रेटिकुलेट विनेशन। सेम होता है पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर और कोई नेटवर्क नहीं होता है, जैसे मोनोकॉट्स में, डायकॉट्स में रेटिकुलेट विनेशन होता है। इसमें भी यूनिकॉस्टेड, जब एक ही प्रिंसिपल वेन हो, सेवरल प्रिंसिपल वेन्स, देन मल्टीकॉस्टेड, अगर वो कन्वर्ज हो रहे हैं सेवरल वेन्स, देन कन्वर्जेंट, और डाइवर्ज हो रहे तो डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना, यूनिकॉस्टेड, अब देखो इसमें एक ही वेन है, बाकी सारे जो है पैरेलल फैशन में है। मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जेंट, बैम्बू, बहुत सारे वेन्स हैं and they are converging at a point. Ab last wala example dekho, fan palm ka appearance de raha hai ye, bahut sare principal veins hain and they are divergent,
आपस में उनका रिलेशन क्या है, पैरेलल है, और सारे जो वेन्स हैं द डिफरेंट प्रिंसिपल वेन्स दे डाइवर्ज, वो मीट नहीं कर रहे, वो डाइवर्ज हो रहे हैं. सो दिस इज मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, एंड दिस इज यूनिकोस्टेट पैरेलल. क्लियर? लीफ के मार्जिन और लैमिना में देखो, ये अगर लीफ है तो ये पूरा एक्सपेंडेड पोर्शन लैमिना है, और ये जो बस इसका, ये इसका मार्जिन है, इसकी बाउंड्री, इसकी मार्जिन. ठीक है. एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कि मिडरिब में इंसिशन है कि नहीं, यू हैव सिंपल लीफ एंड यू हैव कंपाउंड लीफ. इसमें क्या होता है, लैमिना कटा हुआ नहीं होता है, और अगर कट भी होता है ना, इनसाइज मतलब कट, इंसिशन मतलब वो कट दैट डज नॉट रीच द मिडरिब. अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. तो सिंपल लीफ ऐसा होता है जो कि होल होता है, इंटायर होता है, उसमें इंसिशन मतलब कट जो है, अगर वो लीफ कटा हुआ भी है, अगर उसमें पार्टीशन भी हुआ है, वो मिडरिब को टच नहीं करता है, जैसे बैनियन, मैंगो, गुआवा, वो सब सिंपल लीफ होते हैं. कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड और द लैमिना, इट इज इनसाइज अप टू द मिडरिब, डिवाइडिंग द लैमिना इंटू लीफलेट्स, जैसे पी में होता है. इसका डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस आप ये देख लो. अब उसमें भी कंपाउंड लीफ दो तरीके के होते हैं, पिनेटली एंड पामेटली. पिनेटली एंड पामेटली. पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ में भी अलग अलग तरीके का होता है. अब जैसे पिनेटली कंपाउंड लीफ अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, सबसे पहले आप मुझे ये दो तीन साइंटिफिक नेम लिख के भेजो, पी का साइंटिफिक नेम, बैनियन का साइंटिफिक नेम और मैंगो का साइंटिफिक नेम चैट बॉक्स में फटाफट लिख के भेजो आप मुझे. वेरी गुड. फाइकस बेंगालेंसिस नहीं लिखा आपने, वेरी गुड, वेरी गुड. पाइसम सटाइवम, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. आपको बहुत सारे साइंटिफिक नेम आते हैं. करेक्ट. अब एक बार ये सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, मैं पिनेटली कंपाउंड आपको समझा देती हूँ. ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का. देखो टाइप्स ऑफ लीफ क्या होगा, जैसे अगर ये एक लीफ बनाया, ये किस तरीके का लीफ है, इसमें लैमिना डिवाइडेड नहीं है, और अगर इंसिशन हो भी रहा है, सो इट इज नॉट एट द लेवल ऑफ द लैमिना, नॉट एट द लेवल ऑफ द मिडरिब, तो इसमें लैमिना होल है ना, लैमिना इज नॉट डिवाइडेड, ये तो सिंपल लीफ हो गया. इसमें मिडरिब के लेवल पे कट नहीं आ रहा, राइट? कंपाउंड लीफ क्या होता है, व्हाट इज अ कंपाउंड लीफ? कंपाउंड लीफ जैसे ये एक ये लीफ था, और ये देखो इस तरीके का, व्हाट इज दिस, इस सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, इसको और इसको कंपेयर करो, इसमें आप नहीं देख रहे हो कि मिडरिप तक कट आ गई है, मतलब इमेजिन करो इसका मिडरिप कट करके छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया. अब इसके मिडरिप को क्या बोलते हैं, अब इसके मिडरिप को बोलते हैं रैकिस. सो दिस इज अ कंपाउंड लीफ, यूनिपिनेट. जब एक स्टॉक रहता है देन इट इज यूनिपिनेट. लीफलेट्स आर डायरेक्टली बॉर्न, दिस इज अ कंपाउंड लीफ. इसमें लैमिना
होल है, इसमें लैमिना कटा हुआ है छोटे छोटे लीफलेट्स में. अब रैकिस, विड्रिप को बोलते हैं रैकिस. दिस इज यूनिपिनेट. इसमें भी दो तरीके का होता है, यूनिपिनेट पेरिपिनेट, जब पेयर में होता है इवन नंबर्स में, और अगर ऑड नंबर्स में होगा तो इम्पेरिपिनेट. पेरिपिनेट इम्पेरिपिनेट, बट फैशन यही होगा. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कंपाउंड लीफ के टाइप्स कर रहे हैं हम. ये एक रैकिस है. अब इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं, मतलब दो ब्रांच हो गई, इस पे लीव्स लगे. सो दिस इज, ये मेन रैकिस है जो मिडरिप को रैकिस बोलते हैं, और ये सेकेंडरी एक्सिस है. तो सेकेंडरी एक्सिस से लीफ निकल रही, इसको बोलते हैं बाइपिनेट. बात समझ में आ रही है? नाउ वंस अगेन वी विल डू सिंपल लीफ. द लैमिना इज नॉट डिवाइडेड, इवन इफ इट इज डिवाइडेड द इंसिशंस डू नॉट रीच द मिडरिप. ऐसे होल लीफ दिखेगा आपको जैसे मैंगो में दिखता है. कंपाउंड लीफ में लैमिना में इंसिशंस होते हैं, इंसिशंस रीच द मिडरिप. अब मिडरिप को यहाँ पे क्या बोलेंगे? रैकिस. इमेजिन करो ना, लैमिना कटा हुआ है ना, यहाँ पे इंसिशंस है, और जब एक ही रैकिस होगा, एक ही एक्सेस होगा, इट इज कॉल्ड यूनिपिनेट. ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स पेरिपिनेट, सॉरी इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स पेरिपिनेट, ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स इम्पेरिपिनेट. जब मेन, जब एक रैकिस होगा उसके अलावा एक सेकेंडरी एक्सेस भी होगा, देन दैट इज बाइपिनेट, देन दैट इज बाइपिनेट. उसी तरह से ट्राइपिनेट भी होगा. ये भी कंपाउंड लीफ का आई एम टेलिंग यू. ट्राइपिनेट बनाते हैं. ये मेन एक्सेस हो गया रैकिस, उसके बाद सेकेंडरी एक्सेस हो गया, उसके बाद फिर एक एक्सेस है. तो ये मेन है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है. तीन है, और यहां पे टर्शरी पे लगे हुए लीव्स. दिस इज ट्राइपिनेट. इसको बोलेंगे ट्राइपिनेट. कंपाउंड होता है लास्ट की कंपाउंड होता है जब रैकिस. अब रैकिस का डिवीजन है, यहाँ पे एक ही रैकिस है, यहाँ पे दो रैकिस है, यहाँ पे एक दो तीन रैकिस है, तीन से ज्यादा होंगे तो डीकंपाउंड. तो कंपाउंड लीव्स के टाइप्स यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, ट्राइपिनेट एंड डीकंपाउंड. हाँ, एग्जांपल्स लिखो अभी जल्दी जल्दी. यूनिपिनेट एग्जांपल इज टैमरिंड. यूनिपिनेट पेरिपिनेट द एग्जांपल इज टैमरिंड. यूनिपिनेट इम्पेरिपिनेट द एग्जांपल इज रोज. बाइपिनेट द एग्जांपल इज अकेशिया, माइमोसा, माइमोसा प्यूटिका. ट्राइपिनेट द एग्जांपल इज मोरिंगा, ड्रमस्टिक. And decompound, the example is carrot, locus carota. Clear everyone? So next class, we are going to start with modifications of leaves and inflorescence and fruit. Okay, so we will meet next class.